हेलो गाइस, अभी हम मंडोर उद्यान आए हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें घूमने के लिए है। कुछ टेंपल्स हैं और यहाँ मान्यता है कि यहाँ पे रावण की शादी हुई थी। ये रावण का ससुराल है मंदोदरी, और रावण की जो शादी हुई थी, जो इन्होंने यहाँ पे फेरे लिए थे, वो यहीं पे है। एक छतरी है तो हम वो देखेंगे, और साथ ही में कुछ म्यूजियम भी है यहाँ देखने के लिए, और कुछ मंदिर्स हैं। और रावण की जो शादी हुई थी उनका जो छतरी है जहाँ पे उन्होंने फेरे लिए थे, सात फेरे लिए थे, वो है, और एक महल है। ये सब कुछ अपने आज देखेंगे। तो अभी मैं उद्यान के अंदर आ गया हूँ, मंडोर उद्यान, इसे मंडोर उद्यान के नाम से जानते हैं। और अभी मैं मंडोर उद्यान में आ गया हूँ, तो अभी हम आगे चलेंगे। हेलो गाइस, ये है उद्यान, मंडोर उद्यान, और यहाँ से हम आगे चलेंगे साइड। और ये है यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, एक अजीत कोल है, भैरव जी मंदिर है, देवताओं की साल है, संग्रहालय है, एक थंबा है, और नगंडी बांड है, और पुराना मंडोर किला है। ये सब कुछ है यहाँ पे। चलो देखते हैं। और यहाँ देखो पूरा हरियाली है, पार्क है, ठीक है। ये अजीत पोल है। यह देवता की साल, यह लिखा हुआ है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ये संग्रहालय है। अभी हम इसमें जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या पुरानी चीजें रखी हुई है अंदर। चलो सबसे पहले हम संग्रहालय देखते हैं, यहाँ लगता है टिकट होगी। सभी
गाइस अभी मैंने टिकट ली है यहाँ से, ये 40 रुपये की दो टिकटें पड़ी है और अभी यहाँ से हम एंटर करेंगे। इन्होंने कहा है भाई मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है और कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you from a distance you can tell. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you from a distance you can tell. Forever free, you and me.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. गाइज ये है मंडोर डुरुक। अभी तो यहाँ रहा नहीं है, ऑलरेडी ये टूट गया है कब से, पर इसके अवशेष अभी भी हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। म्यूजियम से होते हुए यहाँ से रास्ता निकलता है मंडोर डुरुक की। ये जो भी यहाँ पे ये सब पहले मंदिर थे और महल था। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये रावण का ससुराल मान कहते हैं यहाँ के लोग। अब पता नहीं कहाँ तक सही है, ये तो यहाँ के लोगों को पता है या फिर वो रावण जी को पता है। और ये हर जगह देखो टूटे हुए मिलेंगे अवशेष पुराने। ये भी मंदिर है। और अभी हमें उस महल तक जाना है। ये देखो ये पूरे टूटी हुई इमारतें हैं। अभी हमें वहां जाना है। ये जो किला है ये टूटा हुआ है, तो इस किले को देख के फिर चलते हैं।
जो कहते हैं ना कि जोधपुर में रावण का ससुराल है या मरुदरी का पियर है, महल है, मंदिर है, जो भी वो यही है। और एक्चुअल इसके जहाँ नोटिस हैं वो जो बोट हैं इन पे किसी रावण की वर्णन कुछ बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है कि ये दुर्ग है, मंडोर दुर्ग कहते हैं इसको, ये मंडोर दुर्ग है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ रावण की या किसी चीज़ की वर्ण गणना नहीं की हुई है इसमें, कि ऐसे पता चले कि ये रावण का ससुराल है या कुछ है। तो चलो अब हम नीचे चलते हैं। हेलो गाइस, ये जो एरिया आपको ये जो महल दिख रहा है ये इसका टॉप का भाग है, ऊपर का। कोई कहते हैं ये जो पूरा का पूरा महल नीचे धस गया था, और कोई कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो महल है, रावण का ससुराल है। और किसी का कहना कुछ है, किसी का कुछ कहना है, पर एक्चुअल अभी तक कुछ पता नहीं है ये किस चीज़ का महल है, पर श्रापित महल है, अपने आप ही ये धसा हुआ है। इसीलिए जो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये ऊपर वाला भाग है सारा, ये ऊपर वाला भाग है इसका, ये जो भी दिख रहा है आपको ये सारे ऊपर वाले भाग हैं, नीचे साल वाला पूरा का पूरा ज़मीन में धंसा हुआ है। और अभी ये जो आपको दिख रहा है रिवर, ये अभी तो गंदा पानी हो गया है, पहले के टाइम में यहाँ पे ये झरना था।
ओके गाइस, अब अपना ये मंडोर पोर्ट कंप्लीट हो गया है और अभी अपने यहाँ मंडोर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। वहाँ से एक थोड़ी पुरानी मान्यता के हिसाब से एक यहाँ पे रावण का चौरी है, जहाँ पे रावण ने फेरे लिए थे, साथ फेरे लिए मंदोदरी के साथ, वहाँ पे उनकी वो चौरी बनाई हुई है। तो वो चौरी देखते हुए आगे चलेंगे। आज ये मंडोर फोर्ट कंप्लीट हो गया है। ओके गाइस, ये है रावण की चौरी। यहाँ पे रावण ने और मंदोदरी ने विवाह रचाया था, इस चौरी पे सात फेरे लिए थे। और वैसे इस जो मंडोर है, जोधपुर की पहले राजधानी थी, और ये मंडोर रावण का ससुराल है, मंदोदरी का पियर है। और यहाँ पे पूरे इंडिया में रावण को जलाया जाता है दशहरे के टाइम, मगर यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये यहाँ के जवाई हैं, इसलिए यहाँ इनकी पूजा होती है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है रावण का, वो यहाँ से चांदपोल है, थोड़ा दूर है, वहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ की चौरी देखेंगे, चलो चलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ से ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। ये नई चौरी है, ये अभी कुछ समय पहले ही बनाई है। मतलब पत्थर तो, ये जो चौरी का जो स्थान है वो तो पुराना है, पर यहाँ पे इनका जो कुछ तैयार करवाइए, इसको मरम्मत करवाइए। ये सामने जो पत्थर दिख रहा है, ये रावण के टाइम का है। यहाँ पे निकासी की हुई है, गणेश जी और भी देवी देवता हैं, निकासी की हुई है। जैसे गणेश जी हो गई, गए सरस्वती माँ हो गई, दुर्गा माँ हो गई, यही इनकी कढ़ाई निकासी की हुई है। और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये रावण की चौरी है, या ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ पुरानी मान्यता है कि रावण की चौरी है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो ऊपर जो दिख रहा है, ये अभी बनाया है। चलो अभी हम चलते हैं यहाँ से, इस चौरी को देखने के लिए आए थे। चलो अभी हम नीचे चलेंगे। चलो अपना यहाँ से हो गया आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके बाय।